जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के यहाँ पर लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग आ जाइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम आपके लिए बता दें कि यहाँ पर 214 कवि एवं लेखकों की जीवन परिचय से संबंधित एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई, जिसमें 4700 से 4800 क्वेश्चन आपके संबंधित हैं इन कवि एवं लेखकों से संबंधित। अलग अलग कवि एवं लेखकों से संबंधित यहाँ पर टेस्ट सीरीज है। तो ये मात्र 499 रुपये में जो भी परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का यह वाला ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, ये ऐप डाउनलोड कीजिए। हिंदी साहित्य का इस प्रकार का लोगो है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यह टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हैं। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संदेश रासक के रचनाकार कौन है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 71 वा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। संदेश रासक के रचनाकार पूछा गया है आपसे। यहां पर चार विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि 71 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि अब्दुल रहमान राइट आंसर होगा। अनिल जी बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, केंदो व्योम बीथिका भरे हैं भूमि धूम केतु, इस पंक्ति के अलंकार, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार इन पंक्तियों में है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर 12 पूछा गया है, भ्रांतिमान संदेह अतिशयोक्ति उपमा, जसमिल जी विश्वास जी सोनू जी अनिल जी, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है विकल्प नंबर यहां पर अलंकार बताना है 72 में, और संदेह अलंकार आपका यहां पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी है आपका सही आंसर। बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर मास शब्द में समास बताना है, कौन सा समास है, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 73 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 73 का सही आंसर होगा आप सभी का विकल्प नंबर यहां पर चतुर्मास शब्द में समास पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, विकल्प नंबर यहां पर डी राइट आंसर है, यानी कि द्विगु समास आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। द्विगु समास जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहां पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीरति भनति भूल कीरति भनति भूति भल सोई, स्वर सरिसम सब कहे हित तो होई, इस चौपाई से प्रकट होता है, इस चौपाई से कौन सा भाव प्रकट होता है, संपन्नता का, लोक मंगल का, गंगा की पवित्रता का या फिर यश का। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सोनू जी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी 74 है और राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि लोक मंगल का, लोक मंगल का भाव प्रकट होता है, तो विकल्प नंबर बी सही आंसर है। तन्मय जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 75, सूरदास की भक्ति है दास्य भाव की, शक्य भाव की, चातक भाव की भक्ति है या फिर गोपी भाव की भक्ति। क्वेश्चन नंबर 75 वा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर है, सूरदास जी की भक्ति पूछा गया है तो राइट आंसर होगा 75 का, विकल्प नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी जिन्होंने चयन किया है 75 में उनका राइट आंसर होगा, शक्य भाव की भक्ति है सूरदास जी की, शक्य भाव आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, इस काव्य उक्ति या कथन में किस प्रकार की आलोचना पद्धति के दर्शन होते हैं बताइए। निशा जी क्वेश्चन नंबर 76 है,
गवेषणात्मक आलोचना, भाववादी आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना या फिर व्याख्यात्मक आलोचना। क्वेश्चन नंबर 76 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नीता कुमारी जी। 76 का विकल्प नंबर यहाँ पर राइट आंसर है सी, यानी कि निर्णयात्मक आलोचना पद्धति के दर्शन इस कथन में होते हैं, तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? भरत मुनि, संकुक, मम्मट या फिर नंद केसर केशवर। क्वेश्चन नंबर 77 में सही आंसर बताना है, क्या होगा 77 का राइट आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर है, रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य पूछा गया है कौन माने जाते हैं और आप सभी का यहां पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 77 में, क्या होगा राइट आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और डी राइट आंसर है, नंदी केश्वर आपका यहां पर सही आंसर होगा, नंदी केश्वर होगा सही आंसर। जिन्होंने यहां पर डी चयन किया है उनका होगा सही आंसर। यहां पर सभी लोग विकल्प नंबर एक बता रहे हैं लेकिन आपका डी यहां पर सही आंसर होगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस काव्य परिभाषा के रचयिता माने जाते हैं आचार्य दंडी या फिर राजशेखर, आचार्य विश्वनाथ या फिर आचार्य भोज। अनिल जी बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 78 है। मायाराम जी, कमलकांत जी, क्या होगा राइट आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और वाक्यम रसात्मकम काव्यम परिभाषा के जो रचयिता माने जाते हैं कौन माने जाते हैं, तो 78 का बिल्कुल सही, सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है कि आचार्य विश्वनाथ यहाँ पर सही आंसर होगा। आचार्य विश्वनाथ जी की परिभाषा दी गई है इनके द्वारा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 पूछा गया, बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को चिन्हित कीजिए, अशुद्ध शब्द कौन सा है क्वेश्चन नंबर 79 में बताइए। रतिपाल जी, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द का चयन करना है और रंजीत जी बिल्कुल सही राइट आंसर है, उपरोक्त। उपरोक्त नहीं लिखते हैं, उपर्युक्त जो है वह आपका सही आंसर होगा, ये उपरोक्त आपका यहाँ पर अशुद्ध है। तो आशीर्वाद और अकरमंडे और सन्निकट ये जो है आपके सही हैं लेकिन उपरोक्त आपका गलत है बर्तनी की दृष्टि से। राम की शक्ति पूजा किस युग की रचना है? क्वेश्चन नंबर 80 है, वीरगाथा काल की, व्यक्ति काल की रचना है, द्विवेदी युग या फिर छायावादी युग। तो 80 का सही आंसर है आप सभी का यहां पर। तो अनिल जी एक बार रिफ्रेश कर लें, क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 80 का आपका जो सही आंसर है, राम की शक्ति पूजा किस युग की रचना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है सभी का, विकल्प नंबर यहाँ पर डी यानी कि छायावादी युग यहाँ पर सही आंसर होगा, छायावादी युग आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है नीचे दिए गए कोड की सहायता से। 81 का क्वेश्चन है, वीरगाथा काल समय बताना है, तो कब से कब तक माना जाता है वीरगाथा काल का समय, तो देख लेते हैं। 81 का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आपका विकल्प नंबर एक सही आंसर है। तो वीरगाथा काल का विक्रम संवत 1050 से 1375, रीति काल का ए का हो जाएगा तीसरा, यानी कि जो खा है इसका हो जाएगा तीसरा। तो रीति काल विक्रम संवत 1700 से 1719, आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से अब तक और भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 17, ये जो है 1700 आपका। इस प्रकार यहाँ पर 81 का विकल्प नंबर एक जो है वह आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, नागमती वियोग वर्णन पद्धति है, षड ऋतु वर्णन पद्धति, बारह मासा पद्धति, ऋतु वर्णन पद्धति या फिर प्राकृतिक वर्णन पद्धति। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर चयन करना है, क्या होगा राइट आंसर? नागमती वियोग वर्णन पद्धति है कौन सी, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 82 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। विश्वास मलिक जी बिल्कुल सही और 82 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि 12 मासा पद्धति आपका यहां पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 13 से पूछा गया है, बरमर गीत परंपरा के काव्य को कहा जाता है संदेश रासक, दूत काव्य, उपालंब काव्य या फिर विरह काव्य। क्वेश्चन नंबर 83 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और 83 का आप सभी का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर, क्या होगा राइट आंसर बताइए। भ्रमर गीत परंपरा के काव्य को कहा जाता है, और 83 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि तनुजी, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है तन्मय जी, बहुत बढ़िया। उपालंब्य काव्य आपका सही आंसर होगा, उपालंब्य काव्य जिन्होंने चयन किया है विकल्प नंबर सी उनका होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कनक शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है, सोना, धतूरा, आटा या फिर कन्या। क्वेश्चन नंबर यहां पर पूछा गया है आपका 84, और 84 का सही आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, कनक शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है, सही नहीं पूछा है 84 में, तो आपका यहां पर सही आंसर है, तो राइट आंसर है डी, आपका सही आंसर है यानी कि कन्या यहाँ पर राइट आंसर होगा, कनक शब्द का अर्थ कन्या नहीं होता है, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर धतूरा, सोना, आटा ये जो है कनक शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है, कन्या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 85, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, चिन्हित कीजिए बताइए। हाँ बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 85 वह क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर रविंद्र जी, निम्नलिखित शब्दों में से एक हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, 85 वह क्वेश्चन है और राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि नियर, नियर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, शतायु, मित्र और अभिज्ञान ये हिंदी भाषा के शब्द हैं, नियर नहीं है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है, भूषण जी ने, पद्माकर, सुरति मिश्र या फिर मतीराम। 86 का सही आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है शिवानी ठाकुर जी, क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएंगे, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, रोज होती है अपनी एक क्लास रात्रि में 10 बजे, और वह कौन से कवि हैं जिन्होंने भक्ति, श्रृंगार, वीर तीनों विषयों पर जो है अधिकार पूर्वक लिखा है, राइट आंसर है 86 का विकल्प नंबर बी यानी कि पद्माकर, पद्माकर आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, मानव माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी, ये पंक्तियां जो हैं किस कवि की हैं ये बताना है, ये पंक्तियां हरिकेश जी बताइए पंक्तियां किनकी मानी जाती हैं, नंददास, सूरदास, कृष्णदास या फिर परमानंदे दास। क्वेश्चन नंबर 87 है और 87 का सही आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 87 का विकल्प नंबर यहाँ पर जो बी है, सूरदास जी उनकी पंक्तियां मानी जाती है, तो विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, सूरदास जी की पंक्तियां मानी जाती हैं, बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर पूछा गया है, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 88 में बताइए, जसमेल जी, अनिल जी, क्या होगा राइट आंसर, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नंद दुलारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 88 है और आप सभी का सही आंसर है 88 का विकल्प नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर होगा यानी कि शुक्ल जी आपका सही आंसर है, शुक्ल जी ने कहा है अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है, किन्होंने, आचार्य शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई थी, ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए क्या होगा सही आंसर।
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1936, 1937, 1938, तो 89 का क्वेश्चन है और राइट आंसर होगा विकल्प नंबर, यहां पर क्या होगा राइट आंसर? 89 का, बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, 89 क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर एक, सही आंसर होगा यानी कि 1935 आपका सही आंसर होगा, 1935 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से एक जीवनी परक उपन्यास है, जीवनी परक उपन्यास आपके लिए बताना है कौन सा माना जाता है, खंजन नयन, भूले बिसरे चित्र, या फिर झूठा सच, या फिर इदन मम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 90, और तनु जी क्या होगा सही आंसर? कार्तिक सिंह जी, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 90 का, विकल्प नंबर होगा राइट आंसर एक, यानी कि खंजन नयन जीवनी परक उपन्यास माना जाता है, तो विकल्प नंबर आपका एक यहाँ पर सही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीपिका जी, भाभी, शिक्षिका जी, बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 91, मन्नू भंडारी की कौन सी कृति राजनीतिक विषय पर आधारित है? भाई कृति बताना है, महाबोझ है आपका, बंटी, त्रिशंकु, या फिर एक प्लेट सैलाब। अनिल जी बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 91 है, राइट आंसर चयन करना है, तो मन्नू भंडारी की कौन सी कृति राजनीतिक विषय पर आधारित है? और आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर एक, यानी कि महाभोज। महाभोज आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, जिन्होंने भी चयन किया है उन सभी का सही आंसर है। हाँ रंजीत जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 92 पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक मनोवैज्ञानिक आलोचक है, मनोवैज्ञानिक आलोचक कौन माने जाते हैं? जॉर्ज लुकाच, या फिर आई ए रिचर्ड्स, कॉलरिज, या फिर क्रोचे। क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 92, और आप सभी का सही आंसर क्या होगा? रितेश जी, निम्नलिखित में से एक मनोवैज्ञानिक आलोचक माने जाते हैं, 92 का सही आंसर है आप सभी का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, कॉलरिज आपका सही आंसर होगा। अमन जी विकल्प नंबर सी होगा सही आंसर, 92 का विकल्प नंबर सी है आपका सही आंसर, कॉलरिज। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 93 की हरि नारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से माना जाता है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, या फिर चौथा सप्तक, बताइए। क्वेश्चन नंबर 93 में सही आंसर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? हरि नारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से माना जाता है? और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि 93 का जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि बी में आपका सही आंसर है दूसरा सप्तक, बिल्कुल सही राइट आंसर है, दूसरे सप्तक से संबंधित माने जाते हैं हरि नारायण व्यास, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह उक्ति किस लेखक की है? बताइए रजनी जी, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर चयन करना है, 94 का राइट आंसर बताइए जसमिल जी। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह उक्ति मानी जाती है, किसकी मानी जाती है? 94 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, बालकृष्ण भट्ट जी की ये उक्ति मानी जाती है, तो डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही पायल जी, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तुनिष्ठ समीकरण ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिद्धांत का संस्थापक कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर बताना है, बिल्कुल सही, 95 वा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत के संस्थापक कौन है? और राइट आंसर है 95 का विकल्प नंबर सी, एलन रेट आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कहानी शिव प्रसाद सिंह की है, वह कहानी कौन सी है? हंसा जाई अकेला,
कर्मनाशा की हार, जहां लक्ष्मी कैद है, या फिर मलबे का मालिक। बताइए क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा 96 का विकल्प नंबर। निम्नलिखित में से एक कहानी शिव प्रसाद सिंह की है, कौन सी है? तो वह कहानी मानी जाती है, बताइए क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और कर्मनाशा की हार जिन्होंने विकल्प नंबर बी चयन किया है उनका यहां पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह की यह कहानी मानी जाती है। सांझी संस्कृति को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना की है? बताइए मित्रों मरजानी, हम हसमत, जिंदगी नामा, यारों के यार। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और सांझी संस्कृति को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना की है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है तन्मय जी, क्वेश्चन नंबर 97 का विकल्प नंबर सी यानी कि जिंदगी नामा होगा राइट आंसर। जिंदगी नामा राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी होगा सही आंसर। 97 का सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। सांझी संस्कृति को विषय बनाकर कृष्णा सुबती जी की रचना मानी जाती है जिंदगी नामा, और कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती नाटक माना जाता है? यहां पर बताना है प्रह्लाद चरित, आनंद रघुनंदन, कली कौतुक रूपक, या फिर चंद्रसेन नाटक। क्या होगा सही आंसर बताइए? कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती है? पूर्ववर्ती पूछा गया है, हाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 98 का बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि बी आपका होगा यहाँ पर आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन, रंजीत जी, दीपिका शुक्ला जी, बिल्कुल ये जो है भारतेंदु जी का पूर्ववर्ती नाटक माना जाता है आनंद रघुनंदन। जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार कौन माने जाते हैं? रसलीन है, आलम है, पद्माकर है, या फिर केशवदास? बताइए जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार कौन माने जाते हैं? और आप सभी का सही आंसर है 99 का विकल्प नंबर यहां पर डी राइट आंसर है, यानी कि डी में हो जाएंगे केशवदास, जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? बाला बोधनी, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, या फिर श्री शारदा? वह पत्रिका चयन कीजिए जो भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? सच्चिदानंद यादव जी, बिल्कुल सही। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और जो श्री शारदा पत्रिका है ये भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं मानी जाती है, तो विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। हाँ अनिल जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? ये आपको बताना है, आगा हस्त्र कश्मीरी, मुंशी अजमेरी, पांडे वेचन शर्मा उग्र, या फिर मुंशी सदा सुखलाल? 101 का सही आंसर बताना है, 101 का आपका सही आंसर क्या होगा? हाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 101 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। पांडे वेचन शर्मा उग्र, चंद हसीनों के खतूत इनकी रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही, महत्वपूर्ण रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्तिबोध का निधन किस सन में हुआ? बताइए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1961, 1963, 1964, या फिर 1965 में? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर चयन करना है, मुक्तिबोध जी का निधन कब हुआ? और राइट आंसर चयन करिए, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 102 है और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 102 का विकल्प नंबर सी, यानी कि सी में आपका क्या होगा राइट आंसर? सी में 1964 होगा आप सभी का सही आंसर, 1964 है, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 103 कि राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत करने वाले हैं, कौन है?
राम भक्ति में रसक संप्रदाय की शुरुआत करने वाले हैं रामचरण दास, जीवाराम महाराज, रघुराज सिंह या फिर आचार्य कृपा निवास। तो क्वेश्चन आपका 103 है, महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर 103 का राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, यानी कि राधा चरण दास आपका सही आंसर होगा, राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत करने वाले। तो हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 104 बादशाह दर्पण के लेखक कौन माने जाते हैं। 104 का सही आंसर बताइए, अब्दुल रहमान खान खाना, राजा शिवप्रसाद सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर चयन कीजिए कि बादशाह दर्पण के जो लेखक माने जाते हैं कौन माने जाते हैं। और 104 का सही आंसर है आप सभी का यहाँ पर, 104 का विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही आंसर है। बादशाह दर्पण के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इस दुनिया में अखियानों अखियानों को सुख सिरजोई नाही, देखत मनै ना देख तैं अन देखें अकुलाही। यह दोहा किस कवि का है? देव मतिराम बिहारी या फिर पद्माकर। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 105 है और 105 का सही आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है। इस दोहा यह दोहा किस कवि का माना जाता है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि बिहारी। बिहारी आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, बिहारी जिन्होंने भी चयन किया है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 106, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? भट्ट नायक हैं, विश्वनाथ हैं, आनंद वर्धन हैं या फिर मम्मट हैं। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर बताना है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, बहुत ही कम लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य पूछा है कौन माने जाते हैं और 106 का बिल्कुल सही राइट आंसर सभी लोगों का आ रहा है कि आनंद वर्धन यहाँ पर सही आंसर होगा। ऋतु जी बिल्कुल सही राइट आंसर है, आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। पठ कथा कविता किस कवि ने लिखी है? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 107 पूछा गया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, रघुवीर सहाय, चंद्रकांत देवताले, बताइए। हाँ रितेश जी, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पटकथा कविता किस कवि ने लिखी है ये पूछा गया है, अनिल तिवारी जी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि धूमिल आपका सही आंसर है। पटकथा कविता किस कवि ने लिखी है? धूमिल राइट आंसर होगा। घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन माना जाता है? विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, बादल सरकार, जी पी देश पांडे। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर चयन कीजिए, बताइए। रत्तीपाल जी, घासीराम कोतवाल नाटक के मूल लेखक कौन माने जाते हैं और 108 का सही आंसर होगा, विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर? 108 का सही आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का विकल्प नंबर एक राइट आंसर है, विजय तेंदुलकर। घासीराम कोतवाल नाटक के मूल लेखक माने जाते हैं विजय तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका का नाम बताना है, बताइए। इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका का है, तो यहाँ पर पूछा है एक उपन्यास, वह कौन सा उपन्यास? जो उपन्यास लेखिका का है, महिला लेखिका का है, वह उपन्यास आपको बताना है कौन सा है, बताइए। निशा जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 है और ये भी बताइए वह कौन सा है और किसका है, बताइए। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, रुकोगी नहीं राधिका, बिल्कुल सही राइट आंसर है।
रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास की लेखिका भी बता दीजिए क्या होगा सही आंसर, जिसको पता है कमेंट में जरूर बताएं। नटरंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है बताइए। तो आप सभी का सही आंसर है, क्या है राइट आंसर, तो नटरंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है। तन्मय जी बिल्कुल, तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, रमा शर्मा जी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 110 का विकल्प नंबर यहां पर सी राइट आंसर है 110 का, यानी कि दीपिका जी बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नटरंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है 110 का सी राइट आंसर है नाटक आपका सही आंसर होगा, नाटक जिन्होंने चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 पूछा गया है, इनमें से शेखर जोशी की कहानी कौन सी है बताइए, क्या होगा राइट आंसर, शेखर जोशी की कहानी कौन सी है ये पूछा गया है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 111 है, कोसी का गटवार, चीप की दावत, एक अश्लील कहानी, प्रतिशोध, और सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर एक, सही आंसर है एक, कोसी का घटवार, कोसी का घटवार जोशी जी की कहानी मानी जाती है, कोसी जोशी, तो विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तनु जी बिल्कुल सही, तो विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है राइट आंसर है। दुआब के लेखक कौन माने जाते हैं, नागार्जुन है, शमशेर बहादुर से हैं, देवी शंकर अवस्थी है, विद्या निवास मिश्र हैं, 112 का सही आंसर बताइए, 112वां क्वेश्चन है, दोआब के लेखक कौन माने जाते हैं, और आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना मानी जाती है दोआब, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 112 का बी राइट आंसर होगा, बी बिल्कुल सही जिन्होंने चयन किया है उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था, भारत इतिहास और संस्कृति, एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मोटेला, या फिर विपात्र, 113वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और संजू सरोजी राइट आंसर होगा यहाँ पर 113 का विकल्प नंबर एक, यानी कि भारत इतिहास और संस्कृति, ये कृति जो है मुक्तिबोध जी की कृति मानी जाती है जिसको प्रतिबंधित किया गया था। श्रृंखला की कड़ियां बताइए एक किसकी रचना मानी जाती है, सरल क्वेश्चन पूछा गया है, श्रृंखला की कड़ियां, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा, क्वेश्चन नंबर 114 है और 114 का सही आंसर है महादेवी वर्मा, बहुत बढ़िया सभी का सही आंसर आ रहा है, श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन थे, इब्राहिम अलका जी, सत्यव्रत सिन्हा, श्याम सुंदर, श्यामानंद जालान, या फिर सत्यदेव दुबे, क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुखनाम जी सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, बहुत ही कम लोगों ने वीडियो को लाइक किया है अभी अभी तक, लाइक कर ले एक बार। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन थे, निदेशक पूछा है 115 में, और ये जिन्होंने भी चयन किया है इब्राहिम अलका जी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है, 116 का सही आंसर है विकल्प नंबर एक, यानी कि रामचंद्र शुक्ल यहां पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बताना है आपके लिए, यहाँ पर चयन कीजिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 117 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा राइट आंसर, रतिपाल जी, जसबीर जी, तन्मय जी और सोनू जी, राइट आंसर होगा 117 का 1952, 1953, 1954, या फिर 1955, 17वां क्वेश्चन है,
और 17 का सही आंसर है 1954। 1954 यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। नई पत्रिका, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1954। गदल कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। गदल गदल कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर रांगे, राघव यशपाल या फिर शिव प्रसाद सहे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 118 है, और 118 का सही आंसर है ये जो गदल कहानी है इसके लेखक माने जाते हैं रांगे राघव, यहाँ पर सही आंसर होगा। रांगे राघव होगा विकल्प नंबर वी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधायुग की विधा बताना है, ये क्या माना जाता है? काव्य नाटक है, दीर्घ काव्य है या फिर कथा काव्य है या फिर खंड काव्य है। 119वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या होगा सही आंसर? प्रियंका राठौर जी बताइए, तन्मय जी। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर। अंधायुग की विधा बताना है और ये माना जाता है, क्या माना जाता है? रितेश जी नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर है विकल्प नंबर एक राइट आंसर है काव्य नाटक। आपका सही आंसर होगा काव्य नाटक राइट आंसर होगा। और आलोचना पत्रिका के पहले संपादक कौन थे ये आपको बताना है। नंद दुलारी वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, शिवदान सिंह चौहान या डॉक्टर नामवार सिंह। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर चयन कीजिए, क्या होगा राइट आंसर? आलोचना पत्रिका के पहले संपादक कौन थे ये पूछा गया, संपादक। और 120 का सही आंसर होगा आप सभी का विकल्प नंबर यहाँ पर 120 में सी राइट आंसर है। 120 में बताना है क्या होगा राइट आंसर। आलोचना पत्रिका के पहले संपादक पहले पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर है 120 में विकल्प नंबर। सभी लोग बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले पूछा है और ये भी याद रखिए। और आप सभी का राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान आप सभी का सही आंसर होगा, जिन्होंने सी बताया। यहाँ पर बहुत सारे लोग विकल्प नंबर डी भी बता रहे हैं, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रीतिकालीन कवि रसलीन की कविता निम्नलिखित में से कौन सी है? रसज्ञ रंजन, रसबोध, रस प्रबोध, रसज्ञ राग। 121वां क्वेश्चन बताइए विश्वास मलिक जी, क्या होगा राइट आंसर? रीतिकालीन कवि हैं रसलीन, रसलीन जी की कौन सी यहां पर कविता है? और 121 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि रस प्रबोध राइट आंसर होगा। तो रस प्रबोध आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यहां पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। चक्रपाणि शब्द में समास बताना है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास का प्रयोग किया है। चक्रपाणि में कौन सा समास होगा बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। रतिपाल जी, कमलकांत जी राइट आंसर चयन कीजिए। और यहां पर आप सभी का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि बहुव्रीहि। आपका यहां पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है चक्रपाणि में। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के नाम से अभिहित किया जाता है? वह काल आपके लिए बताना है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 123 का विकल्प नंबर। विश्वास मलिक जी, अनिल जी बिल्कुल राइट आंसर है। भक्ति काल है हिंदी साहित्य का, इसी को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के नाम से जो है अभिहित किया जाता है, किसको? भक्ति काल को। अगला क्वेश्चन है। अविदा उत्तम काव्य है कहकर किस आचार्य ने अविदा को श्रेष्ठ शब्द शक्ति माना है? किस आचार्य ने माना है? आचार्य देव, चिंतामणि, सेनापति या फिर आचार्य भिखारीदास। 124वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर 124 का राइट आंसर चयन करना है आचार्य देव, यहाँ पर सही आंसर है। अविदा उत्तम काव्य कहकर के आचार्य ने अविदा को श्रेष्ठ शब्द शक्ति माना है, आचार्य देव ने माना है, विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर होगा। आयुष कुमार जी अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य कथन है, वह कथन कौन सा है जो राष्ट्रभाषा के संदर्भ में असत्य है। हिंदी देश को भावात्मक रूप से एक बनाए रखने में समर्थक है, हिंदी की लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है और इसकी शब्द संपदा सीमित और अपर्याप्त है, हिंदी को देश की अधिकांश जनता बोली और समझती है। अनिल जी बिल्कुल, तो आपका यहाँ पर 125 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी, इसकी शब्द शक्ति सीमित और अपर्याप्त है, ये जो है आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के नाम से अभिहित किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर। तो उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल के नाम से रीतिकाल को जाना जाता है, ये क्वेश्चन थोड़ी गड़बड़ है, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, तो इसको उत्तर मध्यकाल या उत्तर भक्ति काल क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। आयुष जी तनु जी, उत्तर मध्यकाल या उत्तर भक्ति काल कहा जाता है रीतिकाल को, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर पूछा हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल के नाम से अभिहित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 123 है, तो इस क्वेश्चन को एक बार जो है कल की क्लास में अपन देख लेंगे, इसको थोड़ी सा ये डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो इसको छोड़ देते हैं। हाँ ये गलत है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और क्वेश्चन ही वो गलत है आपका। और यहाँ पर देखिए आपके लिए यहाँ पर 214 साहित्यकारों से संबंधित, यानी कि 214 कवि एवं लेखकों से संबंधित अलग अलग कवि और अलग अलग लेखकों, जैसे एक कवि कोई भी कवि है, उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका निधन कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इस प्रकार जो है अलग अलग कवि और लेखकों से संबंधित जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया है। मात्र 499 रुपये में ये टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, 4748 प्रश्न है, 214 साहित्यकारों से संबंधित वस्तुनिष्ठ वार्ता यहाँ पर है। तो आपको जिसको भी इसमें एडमिशन लेना है, परचेस करना है ये टेस्ट सीरीज, तो आपको हिंदी साहित्य का ये वाला ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, तो जाइए प्ले स्टोर पर इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से भी आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। हाँ अनिल जी बिल्कुल, वो क्वेश्चन ही थोड़ी सा गड़बड़ है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अनिल जी और श्वेता जी, तनु जी, रमा शर्मा जी, सोनू जी, जसमील जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तन्मय जी और विश्वास मलिक जी, कार्तिक जी, रंजीत जी, जसमील जी, अमन जी, तनु जी, रितेश जी, कमलकांत जी और आयुष जी, राधिका जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत जी, सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे, बहुत ही कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देंगे। पायल रानी जी, रितेश जी, सोनू जी, जसवीर जी, सुखराम जी, रितु जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज होती है अपनी एक क्लास, और सभी को शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।